नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं सिविल सेवा न्यूज में, जहां पे हम हर दिन 5 मिनट में करंट अफेयर्स को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसका डिटेल न्यूज चाहिए तो आप एग्जाम ओरिजिनल ऐप डाउनलोड करके डेली का करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल का थीम द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू योर क्लाइमेट फूड एंड सॉलिडारिटी ये रही। यूएई के बाद इंडिया अब इंडोनेशिया के साथ डोमेस्टिक करेंसी में बायलैटरल ट्रेड और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स करने को लेकर एक डील करने के लिए जा रहा है। वहीं भारत के कैपिटलिस्ट गौतम अडानी ने हाल ही में बांग्लादेश को 1600 मेगावाट कैपेसिटी का गोद्दा पावर प्लांट सौंपा। इसका मतलब है झारखंड में स्थित ये इस प्लांट से जो भी बिजली बनाई जाएगी वो अब बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी। चलिए कुछ नेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। भारत की फिनटेक फर्म रेजर पे ने मलेशिया में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया। आपको बता दें कि रेजर पे की स्थापना 2013 में की गई थी और इसके फाउंडर शशांक कुमार और हर्षिल माथुर थे। वहीं केरला के पूर्व मुख्यमंत्री उम्मन चांदी जी का निधन हो गया है और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में 20 और 21 जुलाई 2023 को G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 का आयोजन होगा। इस समिट का उद्देश्य फूड सिक्योरिटी पर विचार करना और ऐसे इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना है जो कहीं ना कहीं भारत में फूड सिक्योरिटी को और बेहतर कर रही हैं। ये आपके मेंस के लिए जरूरी है, ठीक है। सेंट्रल होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने 18 जुलाई को दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य सहारा ग्रुप से जुड़े करोड़ों डिपॉजिटर्स को अपना पैसा वापस दिलाना था और या उस पैसा वापस दिलाने में मदद करना था। थ्रू द ब्रोकन ग्लास भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन के द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसमें उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बताया और ना कि सिर्फ निजी जीवन बट इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में भी व्याख्या की है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ मध्य प्रदेश की खबरों को देखते हैं। भोपाल के 74 साल के सीनियर सिटीजन सुरेश सोनी ने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, जो कि प्रदेश के लिए काफी गर्व की बात है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार 2 अगस्त से सीनियर सिटीजन को तीर्थ दर्शन कराएगी। आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए रेलवे बोर्ड ने 3 भारत गौरव पर्यटन ट्रेनों को चलाने की अप्रूवल भी दिया है। वहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना की मिनिमम एज 24 से घटाकर 21 साल कर दी गई है, यानी कि 1 जनवरी को जो भी महिला 21 साल की हो जाएंगी उन्हें लाडली बहना योजना के तहत ₹1,000 सितंबर से मिलने लगेंगे। चलिए कुछ स्पोर्ट्स की खबरें देख लेते हैं, जहां अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 मेंस जैवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। वहीं 20 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप खेला जाना है, यानी जो फुटबॉल का फीमेल वर्ल्ड कप है वो इस बार ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज तोडईमन ने 16 जुलाई को इटली में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 में मेंस ट्रैप स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए एक क्वालिफाइंग स्पर्धा थी। बर्लिन जर्मनी में 2023 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में भारत की ओर से 12 मेंबर का एक स्क्वाड पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें अंकिता भगत, अभिषेक वर्मा और अन्य बेहतरीन आर्चर्स शामिल हैं। इसी के साथ हमारी आज की खबरों का सिलसिला खत्म होता है यहीं। ऐसी खबरें और देखने के लिए और 5 मिनट में करंट अफेयर्स जानने के लिए जो भी आपके देश में हो रहा है, इस न्यूज चैनल को फॉलो करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और अगर आपको लगता है कि ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।